क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लैटिस डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इनके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। बताओ मैं क्या पढ़ना, बताओ भाई, लैटिस डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अब हम पढ़ते हैं भाई कि सॉलिड्स में कौन कौन से लैटिस डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बात बोलो भाई। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल बताओ कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है, बताओ, चार सेक्शंस में भाई। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस डिफेक्ट्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। फिर क्या हुई, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। फिर क्या होंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है भाई, तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस डिफेक्ट्स की। भाई लैटिस डिफेक्ट्स से आप क्या समझते हो और ये कितने टाइप के होते हैं। देखो, जब हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिस होती है तो उसमें पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना भाई। अगर वो रेगुलर अरेंजमेंट कहीं से डिविएट हो रखा हो नेचुरल पैटर्न से, तो वहां पर क्या बोले, क्या रखा है, डिफेक्ट आ रखा है। समझे बात, मान लिया भाई, अरे मान लिया एक ग्राउंड में बहुत सारी क्या बन रही है, गाय और भैंस है। यहाँ क्या भाई, गाय भैंस, गाय भैंस, गाय, अरे अल्टरनेट है भाई, गाय भैंस अल्टरनेट बंधी हुई है। अब उनमें से एक कोई भाई चोर जो है वो एक भैंस चुरा ले जाए भाई, नहीं बता आपको पहले तुम क्या बोलेंगे, तो वहां पर अलग से नजर आएगा आपको, वहां पर एक खाली जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर भाई वो लैटिस में क्या आ गया, डिफेक्ट आ, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई। तो अगर जो डिफेक्ट है वो किसी पॉइंट के अराउंड हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पूरी लाइन ही क्या डिफेक्टेड, बोलो भाई, पूरी लाइन ही खोलेगी चोर भाई, उसे हम क्या बोलेंगे, बताओ भाई, लाइन डिफेक्ट। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं समझे बात। वही सिंपल सी बात है कि एनी डिविएशन फ्रॉम परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। समझ गए बात भाई। लेकिन ये डिफेक्ट ये नहीं है, डिफेक्टिव साड़ी सेल, अरे वो साड़ी में डिफेक्ट पहले ही नहीं ऐड आया करती भाई, वो ठीक है, वो सस्ती साड़ी मिलती हुई ऐसे, अरे टीवी पर ऐड आया करती भाई। डिफेक्ट का मतलब क्यों, आपने क्या बोला प्रॉपर, कोई बोले डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट तो किसी में हो सकता है, इजंट इट। हमने क्या बोला भाई, लैटिस डिफेक्ट, क्या कि जो क्रिस्टलोग्राफी में इसका डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बताओ के बोलो भाई। तो भाई ये जो डिफेक्ट है ये मेनली मैं आपको बताऊँ क्या होते हैं, अरे बोलो भाई, तीन टाइप के होते, कौन कौन से, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और क्या, इम्प्योरिटी। तो भाई पहले बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और देखो भाई मैं आपको बताऊँ, जो डिफेक्ट्स हैं वो दोनों तरीके से आ सकते हैं, डिफेक्ट्स आ सकते हैं नॉन आयनिक सिस्टम्स के अंदर भी और भाई आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर भी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि आयनिक है कि नॉन आयनिक है। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, तो बताओ क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, तो बताओ पहला क्या होता है आपके पास, बोलो भाई, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। अगर कोई डिफेक्ट तो आ जाए, अगर कोई डिफेक्ट तो आ जाए, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स और आयन्स हैं उनका म्यूचुअल रेशो डिस्टर्ब ना हो, नहीं बताओ पहले पड़ी। अगर मान लिया किसी सिस्टम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ, अरे भाई मान लिया उसके अंदर एंड मान लिया कोई ए बी है, ए बी हमारे पास को सिस्टम है, तो ए गायब हुआ तो क्या हो जाओ भाई, बी भी गायब हो जाए एक लैटिस पॉइंट से, तो उसमें ओवरऑल क्या रहेगा, ए और बी का रेशियो क्या रहेगा भाई, तो पर यूनिट सेल क्या, मान लिया चार ए और चार क्या है, बी है, तो एक ए गायब, एक क्या हो जाए, बी गायब हो जाए भाई, तो वहाँ पर क्या रहेगा, कि वहाँ पर स्टोशियोमेट्रिक बंधन रहेगी क्या, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। तो अगर मान लिया भाई इसमें क्या होता है, बताओ, डिफेक्ट तो आएगा लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना उनका जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो म्यूचुअल क्या होता है रेशियो, वो रेशियो क्या रहेगा उनका, फिक्स। यानी कि भाई जो स्टोशियोमेट्री होगी ना, जो फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला में जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनकी क्या है, स्टोशियोमेट्री, वो डिस्टर्ब ना होनी चाहिए। उसे हम क्या बोले, उसे तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई उसे हम क्या बोल लेंगे बताइयो, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो भाई एक क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है भाई,
यहां बताओ क्या होता है जब भाई कुछ एटम, अरे भैया ये मैं बात करूंगा नॉन आयनिक सिस्टम, किसी नॉन आयनिक सिस्टम्स की, तो अगर एक एटम बताओ कहां से विलुप्त हो गया, इस पॉइंट से बोलो भाई, और एक एटम बताओ कहां से विलुप्त हो गया, यहां से भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी गया, तो हम तो क्या बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन यहां पर ओवरऑल क्या रहेगा बताओ भाई, रेशियो क्या रहेगा डिफरेंट साइट्स का, सेम रहेगा। एक बताओ क्या हमारे पास इंटरस्टिशियल, यहां बताओ क्या होगा यहां पर भाई एडिशनल कॉन्स्टेंट कहां पर आ जाएंगे, एक इंटरस्टिशियल साइट में, लेकिन एक यहां पर आ गया तो एक और कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो ए और बी का भाई रेशियो क्या रहेगा बताओ यहां पर भाई, सेम रहा, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, अच्छा बताओ, अब बताओ क्या हमारे पास एक क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, अब जो थे ना ये, अरे भाई जो वर्क थे ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अगर इन्हीं के आयनिक वर्जन की बात करूँ, किसकी भाई आयनिक वर्जन, इनके आपका जो कंपाउंड हो कैसा है आयनिक है, तब इनके नाम पता क्या पड़ जाते हैं शॉर्ट की और फ्रिंकल डिफेक्ट, आपने पढ़ रखे भाई, आपने भाई छोटी क्लास आपने सबने पढ़ रखे भाई शॉर्ट डिफेक्ट और फ्रिंकल डिफेक्ट, वो तो क्या होता है, क्या बोलते हैं इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स, बोलो भाई तो क्या हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट, अगर भाई इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो जाए मिस हो जाए किससे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी मेंटेन रहेगी, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, आप यहां पर देखो भाई बताओ, देखो आप देखो यहां बताओ क्या है, यहां पर आना क्या चाहिए था ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, अरे भाई यहां पर आना क्या चाहिए था भाई, यहां पर आना क्या चाहिए बताइयो भाई, क्या यहां पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 लेकिन एक ए पॉजिटिव गायब हो गया ना, तो एक बी नेगेटिव क्या भाई गायब हो गया, तो ए और बी का जो रेशियो होगा फॉर्मूले में वो तो क्या रहेगा बिल्कुल भाई, समझे बात, मान लिया पहले क्या थे भाई, मान लिया पहले लैटिस में क्या थे बोलो भाई, चार क्या थे ए और चार क्या थे बी, अब तीन क्या रहेगा मान लिया ए और तीन क्या रहेगा बी, लेकिन ए और बी का म्यूचुअल रेशियो क्या रहा बिल्कुल भाई, वो तो सेम रहा, तो उसमें क्या बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स, बोलो भाई तो एक ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं क्या, किस टाइप का डिफेक्ट है ये स्टोशियोमेट्रिक नेचर का, समझ गई बात, और भाई इसमें आपको बताओ इसमें डेंसिटी क्या होती है, इसमें डेंसिटी क्या होती है बताओ भाई, घटती है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, ठीक है और बताओ इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर अरे पार्टलेट नहीं, एक बताओ फिर बताओ फिर मतलब क्या होता है फ्रिंकल डिफेक्ट, क्या बोलो बोलो भाई, एक बताओ हमारे पास क्या होता है फ्रिंकल डिफेक्ट, यहाँ बताओ क्या होता है, यहाँ पर एक कैटायन क्या करती है अपनी नॉर्मल साइट को छोड़ देती है और बताओ कहाँ बैठी है इंटरस्टिशियल साइट में, इसे बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई इफ ए कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट सो दैट इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इज मेंटेन्ड, तो भाई यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा ना, रेशियो भाई यहाँ पर डिस्टर्ब क्यों क्यों भाई यहाँ पर डिस्टर्ब हो, रेशियो बताओ तो क्या बताओ 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 कौन सा डिफेक्ट है हमारे पास, ये अरे कौन सा डिफेक्ट आ गया मेरे पास ये फ्रिंकल, अच्छा यहाँ पर डेंसिटी पे सर पड़े डेंसिटी पे, नहीं भाई ओवरऑल डेंसिटी पर क्या रहेगी सेम रहेगी ना, अब बताओ क्या भाई बताओ फिर बताओ मेरे पास क्या है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इनमें बताओ क्या होगा भाई, अरे भाई नॉन स्टोशियोमेट्रिक बताओ डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर डिफेक्ट ऐसे आएगा कि कैटायंस और एनायंस का रेशियो क्या हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो क्या हो जाएगा भाई डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई डिस्टर्ब, ओके तो भाई इसकी मैं आपको बताऊँ दो टाइप होती हैं मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी, अरे भाई इसकी बताओ कितनी टाइप होती हैं, दो टाइप मेटल एक्सेस एंड मेटल, तो भाई जो मेटल एक्सेस होती है वो बताओ फिर क्या होता है, दो टाइप, एक तो क्या होता है एक तो होता है एनायन वैकेंसी और एक बताओ क्या होता है बोलो भाई, अरे बोलो भाई नहीं समझे बात, अरे एक तो क्या एक बताओ क्या होता है, एक तो क्या होता है एनायन वैकेंसी, अरे भाई यहां पर मैं आपको बताऊँ इसका डायग्राम यहां पर ऐड नहीं कर रखा, इसमें ऐड करना भूल गया, आपको बता गई तो एनायन वैकेंसी क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई चलो मैं बताऊँ बनाऊँ भाई, एक दो तीन चार बताओ आपको पहले पढ़ रही है,
बन गया ना भैया। अब वो तो यहां पर क्या मान लिया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो बताओ भाई एन आयन वैकेंसी में क्या होता है ये? अरे भैया इसको ऐसे ही इसको रिपीट करो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। तो ये तो हमारे पास क्या परफेक्ट क्रिस्टल हुई। तो एन आयन वैकेंसी कैसे आती है, यहाँ पर एक एन आयन क्या होती है, मिस हो जाती है अपनी नॉर्मलिटी साइड से। बोलो भाई, नहीं बताओ आपको पहले पढ़े भाई, एक एन आयन यहाँ से क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, ठीक है। और आपको फिर तो भाई इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन वो एन आयन तो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन यहाँ पीछे में तो क्या छोड़ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, क्या वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी क्या रही, तो इसकी रही मेंटेन रहेगी ना, नहीं समझे बात। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप हो रखा है, तो इसको एक तरह से अपनी पार्टिकल इन बॉक्स से ट्रीट कर सकते हो, इसके एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे और उन फिर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इससे फिर क्या कलर आता है, क्या इनको एफ सेंटर्स बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा भाई, पता होगा ना आपको। तो क्या होता है इसके अंदर, तुम क्या बोलेंगे बताओ, एन आयन वैकेंसी कैसे होती है, बोलो भाई। एक एन आयन क्या होती है, नॉर्मल साइड से मिस हो जाएगी और वहां पर पीछे क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और बताओ फिर क्या होगा, दूसरा बताओ क्या हो सकता है। तो भाई मेटल एक्सेस दूसरा किस तरीके से हो सकता है बताओ भाई, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन दी वॉइड। अगर भाई बताओ यहां पर क्या आ जाए, कोई एक्स्ट्रा कैटायन, अगर सब 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 कुछ क्या है नॉर्मल, बोलो भाई। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन कहां आ जाए, इंटरस्टिशियल साइट में, बोलो भाई, तो कैटायन एनायन का रेशियो क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया ना, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा फिर, एक इंटरस्टिशियल साइट में, ताकि इलेक्ट्रिक यूटिलिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। अब पढ़े हमें बारहवीं क्लास में ये भाई, लेकिन हमको पढ़ाने पड़ेंगे फिर भी ये, ठीक है। एक बताओ फिर क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी, ये बताओ कब होता है, बोलो भाई, जब एक कैटायन क्या हो, देखो व्हेन ए कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम, व्हेन ए कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मलिटी साइट एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इज मेंटेन्ड बाय कैटायन विद एक्स्ट्रा चार्ज इन नॉर्मल लैटिस साइट, समझे बात। तो बताओ भाई, तो मेटल एक्सेस कैसे होता है, बोलो भाई बताओ कैसे होता भाई, अरे बोलो भाई, जब जब यहां बताओ मेरे पास क्या हो, अरे भाई जब एक हमने कैटायन हमने कहां से खोदे नहीं भाई, एक नॉर्मल साइट से आपने भाई एक कैट, क्योंकि आपने कैटायन जाने का रेशियो डिस्टर्ब करना है, एक कैटायन यहां से खोदो, खोदी भाई धरती पे तो खोदी कैटायन हमने, ठीक है भाई। लेकिन फिर भाई आप कहोगे इनका रेशियो क्या होगा भाई, डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, डिफेक्ट तो कैसा गया, ये नॉन सोशियोमेट्रिक, डिफेक्ट तो कैसा गया हमारे पास, कैसा गया ये नॉन सोशियोमेट्रिक आ गया, इजंट इट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ बताओ क्या जे टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी क्या होगी, मेंटेन हो क्या, यानी एक कैटायन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज। बताओ आपको पहले बड़ी इसे तो हम क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, मेटल डेफिशिएंसी। अब बताओ क्या है, तो भैया बताओ थर्ड टाइप कौन सी थी, अरे भाई डिफेक्ट्स की बताओ थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी होती थी, अरे भाई चलो इसको भाई पहले परफेक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस और भाई ए प्लस, ठीक है ना बात, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास आ गया, अब क्या है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, क्या भाई इम्प्यूरिटी, ये मैं आपको बताऊं भाई, जो इम्प्योरिटी होते ही ना, ये इम्प्योरिटी जो डिफेक्ट होते हैं, इसका तो इतना फ़ायदा होता है भाई, इससे दुनिया भर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हासिल की जाती हैं, समझे बात। लेकिन खैर मैं इसको, हम इसको भी बहुत बेसिक टर्म्स में पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर आप डिफेक्ट इनकॉर्पोरेट करते हो किसी लैटिस में जानबूझ के, समझे बात भाई, आप किसी लैटिस में डिफेक्ट इनकॉर्पोरेट करते हो, कैसे, कि उसकी जो नॉर्मल क्या है लैटिस, उसमें आप किसी और स्पीशीज की आप उसमें क्या करते हो, डोपिंग। भाई पहले तो भाई मैं आपको बताऊं, इसको भाई दो कैटेगरीज में बांटते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस में, आयनिक सिस्टम में, और एक भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवलेंट सिस्टम में, क्या
फिर दो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आते कैसे? आपने करना क्या है, आपने किसी एक कैटायन को मान लिया, भाई ये क्या है हमारे पास, एक मोनोवेलेंट कैटायन ना, क्या है मेरे पास मोनोवेलेंट कैटायन, मैं इसको यहां से हटा दूं और इसकी बजाय मैं यहां पर क्या भर दूं, कोई बाईवेलेंट कैटायन सी टू पॉजिटिव, क्या सी टू पॉजिटिव, तो एक यहां से हट गई भाई कैटायन, यहां से गई ना भाई कैटायन, यहां से गई और यहां पर मैंने वो तो क्या किया बताओ भाई, मैंने सी टू पॉजिटिव कर दिया, बोलो भाई, यानी हमने यहां पर एक बाईवेलेंट कैटायन की मैंने डोपिंग कर दी, तो एक बाईवेलेंट कैटायन क्या दो मोनोवेलेंट कैटायन को तो वो रिप्लेस हो रही है कि रिप्लेस तो करेगी एक ही, रिप्लेस तो क्या करे भाई, अरे बल्कि 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 टाइप ही होगी, रिप्लेस तो करेगी कि मोनोवेलेंट कैटायन को, लेकिन भाई क्योंकि न्यूट्रिलिटी मेंटेन होने के लिए एक और लैटिस पॉइंट में से कौन गायब हो जाएगा, बोलो भाई, एक ए पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एक बाईवेलेंट कैटायन दो वन पॉजिटिव कैटायन को, एक बाईवेलेंट कैटायन दो मोनोवेलेंट कैटायन को बैलेंस कर सकते चार्ज वाइज, समझे बात, तो मैं दो ए प्लस गायब करके और एक जगह सिर्फ क्या रख दूं सी टू पॉजिटिव, नहीं समझे बात, जैसे जैसे आप सोडियम की लैटिस में आप दो सोडियम हटा के और सिर्फ क्या रख दो एक जगह, एक कैल्शियम टू पॉजिटिव, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो न्यूट्रिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, लेकिन वहां पर एक वॉइड नहीं बन जाएगा एक्स्ट्रा भाई वॉइड, नहीं बात आपको पहले पड़ी है, अरे बोलो, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ जो डोपिंग होती है तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे तैयार होते हैं बताओ भाई, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे भाई बताओ, हम क्या बोले, ये डिफेक्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, किसी परफेक्ट लैटिस में किसी फॉरेन मटेरियल को डोप करके, क्या भाई, किसी परफेक्ट लैटिस में आप किसको डोप कर दो, किसी फॉरेन एलिमेंट को भाई, नहीं समझे बात, जैसे वाई टू ओ थ्री है, मान लिया वाई टू ओ थ्री की परफेक्ट लैटिस है, क्या भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, इसमें आप एक काम करो वाई को किसे हटा दो, मैग्नीज टू पॉजिटिव, किसी मैग्नीज टू पॉजिटिव से, नहीं बात आपको पहले पड़ी, या फिर मान लिया मैं कहूँ बताओ कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में भाई, अरे सी ओ में कैल्शियम टू पॉजिटिव होते हैं ना, तो तीन कैल्शियम टू पॉजिटिव किसे हटा दूंगा, दो ये टीरियम थ्री पॉजिटिव, किसे भाई, ये टीरियम सॉरी यूरोपियम थ्री पॉजिटिव से, क्या मैं दो कैल्शियम आयन को नहीं रिप्लेस कर सकता, सॉरी क्या तीन यूरोपियम आयन, दो यूरोपियम आयन तीन कैल्शियम आयन को रिप्लेस नहीं कर देंगे क्या, तो एक जन क्या, एक जन क्या देगा वहां पर, खाली जगह रहेगी, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं समझे बात, तो एक होता डोपेंट, एक क्या होता, तो भाई जिसकी डोपिंग की उसमें उसे क्या बोलते हैं, तो ये डिफेक्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, किसी परफेक्ट लैटिस में किसी फॉरेन मटेरियल की डोपिंग, किसी फॉरेन एलिमेंट की डोपिंग करके भाई, समझ गए बात, इससे सिस्टम क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, इसकी बहुत सारी क्या होती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो जिसको डोप किया उसे क्या बोलते हैं डोपेंट, और जिसमें डोप किया उसे क्या बोलते हैं होस्ट, जैसे यहाँ पर भाई यूरोपियम यहाँ पर क्या होगा डोपेंट, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर भाई होस्ट लैक्टिस, क्या होगा यहाँ पर भाई होस्ट लैक्टिस, नहीं आना कोई, अरे बोलो भाई, ठीक है, अब बताओ पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स, तो भाई आयनिक सॉलिड्स में इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बताओ कैसे आते हैं भाई, ऐसे आएंगे, आपके पास कोई आयनिक सॉलिड है बताओ, सारे यहाँ पर क्या है मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट, बोलो भाई यहाँ भी क्या माने मोनोवेलेंट, यहाँ भी क्या आगे क्या है मोनोवेलेंट, ठीक है बात, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, तो आप क्या करो सिंपली, आप एक मोल सॉरी आप एक क्या इसमें क्या डाल दो भाई बाईवेलेंट कैटायन, इसका सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हुए, तो वो बाईवेलेंट कैटायन तो क्या करेगी, बोलो भाई, तो इस लैटिस में से क्या हो जाएंगे दो ए पॉजिटिव क्या हो जाएंगे गायब, क्यों, क्योंकि एक जो कौन आएगा सी टू पॉजिटिव, जैसे एक स्ट्रॉन्शियम टू पॉजिटिव है NaCl की लैटिस से, NaCl की लैक्टिस से एक स्ट्रॉन्शियम टू पॉजिटिव दो सोडियम वन पॉजिटिव को हटा देगा भाई, यानी बैठेगा वो सिर्फ एक सोडियम की जगह ही, लेकिन एक और सोडियम क्या हो जाएगा एक जगह ऐसे क्या हो जाएगा
उसको डिसिप्लिन होना पड़ेगा भाई ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ताकि ओवरऑल क्रिस्टल क्या बना रहे, न्यूट्रल, क्योंकि क्रिस्टल अगर कहीं नहीं रहा न्यूट्रल तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अनस्टेबल, नहीं बता आपको पले पड़ी, फिर आपको वो एक्स्ट्रा सोडियम कहाँ गई, वो गई कहीं अमोरफोस फेज में, बोलो भाई वो गई कहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, बात आपको पले पड़ी भाई, नहीं आया क्या पसंद है? अच्छा बताओ इसी बेसिस पे आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे बी, अगर मुझे सी ए जेड एन वी टू ओ सेवन में मुझे जिंक को मुझे भाई कैल्शियम को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना भाई, और रिप्लेस करना है टर्बियम से, कैसे टर्बियम थ्री पोज से, टर्बियम थ्री पोज, तो भाई कितने मोल टर्बियम, कितने मोल जिंक को रिप्लेस करेगा, तो भाई टर्बियम का एक मोल क्या करेगा, अरे भाई इसके क्या होंगे, तो इसके दो मोल के लिए क्या, अरे दो टर्बियम क्या करेंगी, दो टर्बियम आयन तीन कैल्शियम आयन को रिप्लेस कर देगी उसकी लैटिस से, क्यों, क्योंकि दो टर्बियम थ्री पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव सिक्स पॉजिटिव, टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव सिक्स पॉजिटिव, नहीं आना आपको ये, तो इस तरह के डिफेक्ट्स तो क्या होते हैं, इम्प्योर डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स, फिर तो क्या होता है, अरे भाई यहाँ भी ऐड करना भूल गया, कोई बात नहीं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवलेंट सॉलिड्स, भैया तो क्या था आयनिक सॉलिड्स में, अब भाई मैं आपको बताऊँ कोवलेंट सॉलिड्स में ये डोपिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कोवलेंट सॉलिड में कैसे, देखो भाई आप कोवलेंट सॉलिड में, आप कोवलेंट सॉलिड कंसिडर करो, क्या सिलिकॉन एक कोवलेंट सॉलिड है कि नहीं है, क्या सिलिकॉन भाई एक कोवलेंट सॉलिड है ना, बताओ यहाँ पर क्या होता है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, बोलो भाई हमारे पास यही तो होता है, ये तो म्यूजिक सा है ना, अरे और भी फैले, और भी आगे फैला हुआ ये आ गया ना आपको, ये अरे बना छूटी ना बात, ये बताओ क्या हमारे पास, अरे बोलो भैया सब, 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 सब तो एक सिलिकॉन बताओ क्या है भाई, चार सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है ना, और ये क्या हमारे पास कोवलेंट सॉलिड, तो अगर यहाँ पर मैं बताऊँ भाई किसकी डोपिंग करूँ, आर्सेनिक, किसकी भाई, आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक क्या होता है, पेंटावेलेंट, आर्सेनिक क्या होता है भाई, सिलिकॉन के पास क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन, उन चारों को वो चार सिलिकॉन से बाइंड करने में इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन अगर मैंने यहां पर आर्सेनिक से इसको डोप कर दिया, किससे भाई, तो यहां पर अगर आर्सेनिक आ गया तो बताओ भाई, तो ये बताओ क्या होगा, तो इनके पास क्या तीन, अरे भाई अपने ले रहे नहीं यहां पर सब सब, अगर यहां पर कौन आ गया, आर्सेनिक आ गया, उसके पास पांच होते हैं, एक दो तीन और चार, तो चार तो बॉन्ड ये बन जाएंगे, बोलो भाई चार तो बॉन्ड क्या भाई यहां पर बन जाएंगे ना, इजंट इट, नहीं समझे बात, लेकिन चार बॉन्ड यहां बनने के बाद भाई क्या इस पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्या इस पास एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में बच गया क्या, वो बताओ कहां, यहां फ्री नहीं क्या, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अरे बोलो भाई, तो ऐसे पता क्या तैयार होते हैं, सेमी कंडक्टर्स, क्या तैयार होते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि भाई यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करने के लिए क्या बिल्कुल फ्री है, तो जब आप क्या लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, और वो करंट कैरी करेगा, तो क्या चार्ज कैरियर, तो यहाँ पर भाई चार्ज कैरियर है क्या ब्रेक एक्स्ट्रा भाई, सिलिकॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं था ना पहले, सारे का इनवॉल्व थे कोवलेंट बॉन्डिंग में, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या पर भाई, तो आप जितनी ज़्यादा डोपिंग करोगे आप उतने ही ज़्यादा चार्ज कैरियर यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, और चार्ज कैरियर यहाँ पर हैं किस टाइप के, नेगेटिव, तो क्या बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि भाई ये ठीक ठाक अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना गणी, ज्यादा ना गणी, ना ज्यादा ना ही कम, तो क्या हमारे पास ये, बोलो भाई एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, नहीं आया ना कोई, वेरी गुड, तो देखो भाई अगर आपने सिलिकॉन में क्या डोप कर दिया, ट्राईवेलेंट सॉरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो क्या हमारे पास एन टाइप, क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा उस साइड पे एक्स्ट्रा बच जाएगा भाई, ओके, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपने यहाँ पर भाई एल्यूमिनियम से नहीं सॉरी आपने इसको यहाँ पर भाई वो तो क्या डोप कर दिया, एल्यूमिनियम अपने यहाँ पर डोप कर दिया क्या भाई, अरे भाई अरे बोरोन वाली फैमिली, अपने बोरोन है
या एल्यूमिनियम है, आपने ये डोप कर दिए, नहीं समझे बात? अरे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, आपने ये डोप कर दिए, जो क्या ट्राईवेलेंट, जो क्या है भाई, मान लिया आपने भाई, तो एक दो और तीन तो हैं। अरे बोलो भाई, तो क्या हुआ, तो तीन तो बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन इस सिलिकॉन के पास क्या है, लेकिन इसके पास एक चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं ना यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या डेफिशिएंसी है ना, कमी है ना भाई, एक तरह से तुम क्या बोलेंगे भाई, ये कमी को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से इसको हम एक होल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, होल, समझे बात? अब क्या होगा भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया, तो ये होल यहाँ पर तो बॉन्ड हो, लेकिन होल कहाँ बन गया, फिर यहाँ पर नहीं बन गया क्या, तो ये होल ऐसे भाई मूव कर सकते हैं, कैसे, अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाए, तो यहाँ तो क्या बन जाए भाई, परफेक्ट बॉन्ड, लेकिन होल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर तो कौन जंप कर जाए, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, तो होल कहाँ पहुँच, यहाँ नहीं पहुँच गया क्या, तो ये होल मूव भी कर सकते, जैसे भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, वैसे होल भी मूव कर सकते हैं, नहीं आपको पहले पड़ी, उसमें क्या बोले फिर इसको, बोलो भाई, लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, होल यहाँ पर क्या है, चार्ज कैरियर, और भाई ये होल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तुम क्या बोलो भाई, तुम क्या बोलते, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, नहीं आपको पहले पड़ी क्या, तो बताओ ट्राईवेलेंट से क्या बनेगा, एन टाइप, सॉरी पेंटावेलेंट से एन टाइप और ट्राईवेलेंट से पी टाइप, ओके। अब बताओ भाई क्वेश्चन बताओ, ये बताओ डोपिंग सिलिकॉन विद आर्सेनिक, अरे मैं आपको ये बताता हूँ, देखो एक होते हैं आपके पास, एक होते हैं आपके पास इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो भाई नेचुरली क्या है, देखो एक होते हैं कनेक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, के होते हैं सेमीकंडक्टर, दो जो भाई बहुत ज़्यादा करंट कैरी करे, वो क्या क्या होते हैं, जो बहुत जो करंट कैरी ना करे क्या होंगे, मटेरियल इंसुलेटर, और जो थोड़ा बहुत करंट कैरी करे वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, तो एक होते हैं भाई इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो नेचुरली क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, लेकिन जो एक जो नेचुरली सेमीकंडक्टर नहीं होते, जिनमें डोपिंग करके चार्ज कैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स। नहीं आना आपको, ये पक्का आ गया, तो बताओ भाई डोपिंग सिलिकॉन विद आर्सेनिक एंड एल्यूमिनियम विल रिजल्ट इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप एन टाइप, एन टाइप पी टाइप, एन टाइप पी टाइप, पी टाइप पी टाइप। तो हमको पता होगा, मैंने पढ़ाया था कि भाई कि आर्सेनिक क्या है, एक ट्राईवेलेंट और सॉरी आर्सेनिक क्या पेंटावेलेंट, और एल्यूमिनियम क्या भाई ट्राईवेलेंट, तो आर्सेनिक को भाई जब आप जब सिलिकॉन को रिप्लेस करोगे आर्सेनिक से, तब क्या आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम से रिप्लेस करने क्या आएगा, एक्स्ट्रा होल भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो एन टाइप एंड पी टाइप, कौन सा आंसर आया, बी, आसान है कि मुश्किल भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।